गुड इवनिंग स्टूडेंट, आज मैं आपको क्लास 11th चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एनसीईआरटी की एक्सरसाइज नंबर 3.3 पेज नंबर 74 का क्वेश्चन नंबर 22 लेके आया हूँ। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है, प्रूव दैट cot of x into cot of 2x minus cot of 2x into cot of 3x minus cot of 3x into cot of x is equal to 1। ये आपको प्रूव करना है। कैसे प्रूव किया जाए, तो देखिए बेटा यहाँ पे एक आपको ट्रिक अपनानी है। ट्रिक क्या है, इसमें cot का हाईएस्ट एंगल कितना दिया गया है, 3x दिया गया है। तो अपन क्या करेंगे यहाँ पे, ऑन टेकिंग cot of 3x, इसको बेटा मैं लिख सकता हूं cot of 2x plus x, या x plus 2x, 2x plus x। तो यहां पे आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है, cot of a plus b, इसका जो फॉर्मूला होता है cot of a plus b का फॉर्मूला होता है बेटा cot a cot b minus 1 upon cot b plus cot a। ये फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे, फिर से देखिए cot a plus b is equal to cot a cot b minus 1 upon cot b plus cot a। तो यहां पे देखिए a की प्लेस पे 2x, b की प्लेस पे x, तो यहां अप्लाई कर देंगे तो यहां पे तो cot 3x सेम टू सेम चलेगा, यहां पे अप्लाई cot 2x into cot x minus 1 upon cot x प्लस cot 2x, जहां जहां a वहां 2x, जहां जहां b वहां x प्लस रख दिया अपन। अब देखिए बेटा इसका मल्टीप्लाई यहां करेंगे क्योंकि ये डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में, तो cot ऑफ 3x इंटू cot ऑफ x प्लस cot ऑफ 2x, यहां पे cot ऑफ 2x इंटू cot ऑफ x माइनस 1। देखिए बेटा मल्टीप्लाई करूंगा यहां पे, तो cot of 3x into cot of x क्या हो जाएगा, cot of 3x into cot of x, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो cot of 3x into cot of 2x, फिर यहां पे इज इक्वल टू cot of 2x cot of x माइनस 1। अब मैं इसको साइक्लिक ऑर्डर में लिखता हूं, तो cot of 3x into cot of x तो सही लिखा हुआ है, क्योंकि देखिए साइक्लिक ऑर्डर क्या होता है, अगर मैंने यहां x लिखा, यहां 2x लिखा, यहां 3x, तो x 2x आएगा, 2x 3x आएगा, 3x x आएगा, तो cot 3x x हो गया प्लस cot 2x आगे और cot 3x पीछे, क्योंकि मल्टीप्लाई में आगे पीछे कर सकते हैं, और इसको मैं क्या लिखूंगा cot of x into cot of 2x minus 1। अब मैं क्या करूंगा, 1 को मैं इस साइड ले आऊं, 1 को जो है मैं इस साइड ले आऊं और बाकी सबको उस साइड ले जाऊं, क्लियर है। तो देखिए 1 आ जाएगा इधर पे, पॉजिटिव हो जाएगा, ये सब उस साइड जाएगा, तो cot of x into cot of 2x ये माइनस में जाएगा तो माइनस cot of 2x into cot of 3x, ये भी उस साइड जाएगा तो माइनस cot of 3x into cot of x, क्लियर है। मतलब 1 के इक्वल में ये चीज आ गई, यही आपको प्रूफ करना था, यही आपको प्रूफ करना था। तो इसमें मैंने LHS कंसीडर नहीं किया, इसमें मैंने जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस आए, क्लियर है, तो आपको 3x कंसीडर करना, 3x को क्या करेंगे आप 2x plus x कर देंगे, cot a plus b आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे, इसको एडिटिव लिखते चलेंगे, फिर यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई इधर पे, तो वो फॉर्म आपकी बन जाएगी, फिर ट्रांसपोजिशन के तहत इस तरीके से आएगा। इसी तरीके से बेटा आपका एग्जाम्पल नंबर जो है, सेम क्वेश्चन जो है, एग्जाम्पल नंबर 14 पेज नंबर 71 पे एग्जाम्पल नंबर 14, इसमें भी आपको प्रूफ करना है tan ऑफ 3x इंटू tan ऑफ 2x इंटू tan ऑफ x, क्लियर है, इज इक्वल टू tan ऑफ 3x माइनस tan ऑफ 2x माइनस tan ऑफ x, ये चीज आपको प्रूफ करनी है। तो इसके लिए बेटा अपन लोग क्या करेंगे, इसके लिए भी tan ऑफ 3x को आप tan ऑफ 2x plus x या x plus 2x ये आप अप्लाई कर देंगे, क्लियर है, डिपेंड आपके ऊपर करता है। और फिर बेटा आपको पता होना चाहिए tan ऑफ a plus b का फॉर्मूला क्या होता है, tan a
प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी, ये फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे फिर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपकी यही फॉर्म पूरी मतलब एग्जैक्टली यही फॉर्म आपकी बन जाएगी। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन आप अपने मन से ट्राई कीजिए, ये मैंने आपको बता दिया है। क्लियर है? आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू बेटा। वीडियो को रोकिए और नोट कीजिए।